हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले, जो UPSC के साथ साथ वेरियस PCS एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेक्शन 124A के बारे में। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले वर्ष भी न्यूज़ में था और इस वर्ष भी न्यूज़ में था, तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद ऑप्शंस आर ए ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, बी क्रुएल्टी बाय हस्बैंड्स और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, सी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस, डी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि 124A में प्रावधान क्या दिया गया है। तो 124A में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शब्द के द्वारा, चाहे वो बोल कर करता कहता हो, चाहे वो लिख कर कहता हो, अगर वो सरकार के प्रति अवमानना करता है या अवमानना का प्रयास करता है, या फिर सरकार के प्रति असहमति जाहिर करता है या प्रयास करता है, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उस पर फाइन लगा सकती है, यानी अर्थदंड भी कर सकती है और उसे कारावास की सज़ा भी दे सकती है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, बाय वर्ड इधर स्पोकन और रिटन, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट दिस अफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश बाय इम्प्रिजनमेंट और फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल इज़ वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर इज़ इट लोकेटेड। ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी सिंध। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं, उसके बाद आपको सीधे आंसर ही मिल जाएगा। तो लेकिन पहले हम मैप देख लेते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कि इसमें जो लोथल है उसका लोकेशन यहाँ पे है, मोहनजोदारो का लोकेशन यहाँ पर है, मेहरगढ़ यहाँ पर, मेहरगढ़, और हड़प्पा सबसे टॉप पर है। दोस्तों ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसको सीधे सीधे UPSC दूसरे पॉइंट से भी पूछ सकती है कि आपको यही चारों दिए रहेंगे, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल, इनको उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ में अरेंजमेंट करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये मैप से दो फायदे हो रहे हैं कि लोथल का लोकेशन तो आपको पता चला है, लेकिन इससे हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल का नॉर्थ टू साउथ लोकेशन भी आपको पता चल जा रहा है। इससे दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस लिहाज से लोथल आपको गुजरात में दिख रहा होगा, ये अरब सागर, यहाँ खंबात की खाड़ी और यहाँ पर हमारा गुजरात, तो गुजरात में लोथल है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़ ये सब पाकिस्तान में है इस वक्त, पहले भारत में होते थे लेकिन अब जब से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब से ये पाकिस्तान में चले गए, और ये सिंधु नदी के समीप है, इसीलिए इसे ही सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस लिहाज से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। इसके अलावा आप देख सकते हैं लोथल जो उस समय शहर बसा रहा होगा वह कैसा रहा होगा, तो आप जहाज़ भी देख सकते हैं कि यह समुद्र किनारे है और यह साबरमती नदी के पास में है, तो प्राचीन समय में यहाँ यहीं से ही समुद्रों के द्वारा भी व्यापार होता था। यहाँ से अरब हो गया, ईरान, इराक साइड में व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर LRO वॉज लॉन्च बाय, ऑप्शंस आर ए इसरो, बी नासा, सी ESA, डी जाक्सा। तो जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा USA की स्पेस एजेंसी है, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर LRO इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, और ये इसलिए भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि हाल ही में चाइना ने भी चांद पर, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जहाँ पर कोई भी अभी तक
स्पेस एजेंसी ने कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया, वहाँ पर जाकर जो पिछला हिस्सा है, सॉरी दक्षिणतम बिंदु पे भारत भेजने वाला है, चांद का जो छिपे हुए हिस्से पर चैंगी 4 मिशन लॉन्च किया था। तो उसी से रिलेटेड यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको पेयर दे देगी। तो मिशन, एक साइड मिशन होगा और एक साइड एजेंसी होगा या फिर कंट्री होगा। तो यहाँ पे चंद्रयान रहेगा एक क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट होगा LRO, तीसरा होगा चैंगी 4, और यहाँ पे आपको नेशन दिया रहेगा चंद्रयान इंडिया, LRO चाइना, और चैंगी USA या फिर जापान दे देगा। तो और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड और मैच्ड इनकरेक्टली। तो इसी से ये दो टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिए, चंद्रयान भारत का मिशन है, लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर LRO, यह 2009 में लॉन्च किया गया था, यह चंद्रमा के लिए ही लॉन्च किया गया था, लूनार जिसे चंद्रमा ही कहते हैं। तो यह ऑप्शन बी नासा हमारा राइट आंसर है, याद रखिए। और चैंगी 4 मिशन यह चाइना का मिशन है। तो इससे हमें 3-4 मिशन के बारे में पता चल गया और 2 क्वेश्चन अलग से भी इसमें बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। स्टेटमेंट्स आर, फर्स्ट, इट इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सेकेंड, इट इज़ चेयर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBE। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। हमारे ऑप्शन है ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ 1 and 2, एंड डी नीदर 1 nor 2। तो स्टेटमेंट पर हम नज़र डालते हैं। तो पहले में क्या कहा गया था कि यह सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो यह सही है, आप देख सकते हैं इसके बारे में जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके बारे में और भी हम देख लेते हैं, इट इज़ चेयर्ड बाय एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो HRD मिनिस्ट्री एक विशेषज्ञ को, एक शिक्षाविद को अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट कर सकती है स्टेटमेंट 2 में। लेकिन क्या दिया गया था यहाँ पे कि इसमें जो CBSE का जो कोई भी सदस्य हो, अध्यक्ष हो, वही अध्यक्षता करता है, वही अध्यक्षता करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जो कि गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इसलिए से हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही है, 1 only। लेकिन आगे भी हम इसके बारे में देख लेते, द CEO विल द डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग मेंबर फ्रॉम यूजर institutions. द डायरेक्टर जनरल विल बी असिस्टेड बाय 9 verticals हेडेड बाय academians और एक्सपर्ट। तो ये पॉइंट इतना मेन नहीं है, लेकिन जो आपको अगर पॉइंट याद रखना है, तो जो पहला पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD किसी भी शिक्षाविद को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट कर सकती है, नियुक्त कर सकती है, यह पॉइंट। और यह सोसाइटी इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, ये 2 पॉइंट ही मेन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इलेक्ट्रो रिसेप्शन, इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोसेप्शन भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट है, फर्स्ट बैट्स, सेकेंड बीस, थर्ड सार्क्स। इसमें भी हमें करेक्ट कोड चुनना है। हमारे ऑप्शन है ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शंस होते क्या हैं? तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन ऐसे जीव जंतु हैं जो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, या जिनमें इलेक्ट्रिक जनरेट करने की उत्तेजना शक्ति होती है। तो हमें डिस्कवरी में देखा होगा हमने कि शार्क की एक प्रजाति है जो कि शॉक्स जनरेट करती है, जो पानी में शॉक क्रिएट करती है। तो हमारा जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट थर्ड है शार्क, वह तो दिया गया। तो स्टेटमेंट देख लीजिए कहाँ कहाँ थर्ड है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में थर्ड स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। अब ये याद रखिए, इलेक्ट्रो रिसेप्शन है वह मेनली एक्वेटिक या फिर एम्फीबियन, जलीय या उभयचर जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक और
एम्फीबियन जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकते हैं या उत्तेजित होते हैं शॉक जनरेट करने के लिए, तो उसमें जो बीज है वह आता है लेकिन बैट्स नहीं आता है। तो सेकेंड और थ्री, बीज और शार्क, ये दोनों इलेक्ट्रो रिसेप्शंस हैं जो कि यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ परमानेंट सीट ऑन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? स्टेटमेंट है पहला इंडिया, सेकेंड चाइना, थर्ड जापान। करेक्ट कोड इसमें भी हमें चुनना है और ऑप्शंस है A112, B23, C2 only, D all of the above। तो दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पहले हम देख लेते क्या है ये। तो AIIB इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इनिशिएटेड बाय चाइना। तो चाइना ने इसके लिए शुरुआत किया था। इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये इसमें नाम में जो है वह एशियन है, तो लोगों को यही लगेगा कि जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, जो भी अवसंरचनात्मक विकास का काम है, निर्माण का कार्य है, कनेक्टिविटी का काम है, वह सब एशिया रीजन में ही होगा। नहीं, ये एशिया और पैसिफिक दोनों रीजन को कवर करता है। तो ये जो पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी ऑप्शन में दे सकती है कि ओनली एशिया एशिया रीजन को ही, एशियन रीजन को ही ये कवर करता है, नहीं एशिया पैसिफिक दोनों रीजन को कवर करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट दे देगी कि इसके जो सदस्य हैं वो खाली एशियाई देश हैं, नहीं इसके सदस्य एशिया पैसिफिक और दूसरे जगहों के भी जो देश हैं वहाँ वह देश भी इसके सदस्य हैं। आप ध्यान दीजिए, इसके जो कुल 93 मेंबर्स हैं, एशिया में कुछ 50-51 ही देश हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब एशिया में खाली 50-51 देश है तो बाकी के जो 41-42 देश हैं वह किसी और रीजन के होंगे, एशिया के तो नहीं होंगे। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिए, मेंबर्स कितने हैं, 93 हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और यह 2015 दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 2015। दोस्तों यह इसलिए भी क्वेश्चन में मैंने दिया है क्योंकि अभी 2018 में हाल ही में मुंबई में इसका थर्ड एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के जो विभाग है उन्होंने AIIB के साथ मिलकर आयोजित किया था। तीसरा एनुअल मीटिंग भारत में आयोजित हुआ था, मुंबई में आयोजित हुआ था। यह PCS में भी पूछा जा सकता है अगर आने वाला कोई भी PCS एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ से ही हमें और दो तीन क्वेश्चन पता चल गया कि इसका जो तीसरा मीटिंग है वह भारत में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और इसमें एशिया के साथ साथ दूसरे महाद्वीपों के देश जो हैं वह भी इसके सदस्य हैं। तीसरा, इसके जो विकासात्मक कार्य हैं वह एशिया पैसिफिक रीजन में होते हैं, ना कि एशिया खाली एशियाई रीजन में नहीं होता है। चौथा, यह दिसंबर 2015 में स्थापित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में परमानेंट सीट किसकी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो परमानेंट सीट है इसमें दो ही देश हैं, वह है एक इंडिया और दूसरा चाइना। तो यही जो दोनों देश हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में परमानेंट सीट एंजॉय कर रहे हैं। और आप ऑप्शन ए देख सकते हैं, 1 और 2 दिया गया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें।